अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सांझ न्यूज़ और मैं हूं जुहेब खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन। इगवा केस में उम्र कैद के तीन मुलजिमान 8 साल बाद बरी। गवाह डरते हैं तो इंसाफ न मांगे। मगवी बाजियाब होने के 6 माह बाद भी शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। चीफ जस्टिस आसिफ सईद को साकी रिमार्क्स। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मनीषा दुबई स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। मुसाफिर के जूतों से 798 ग्राम आइस हीरोइन बरामद कर ली गई। एनएफ ने पेशावर के रहायशी राशिद खान को गिरफ्तार कर लिया। अक़वामे मुत्तहिदा को अपनी करारदादों पर अमल दरामद में मसाइल का सामना। मसला कश्मीर का हल आलमी अज़्म। जनरल असेंबली की सदर मारिया फ्रेनर का इस्लामाबाद में खिताब। बोली, मसाइल हल करने के लिए जादू की छड़ी नहीं है। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों के टारगेट किलिंग। शोपियां में भारतीय फोर्सेज ने मजीद 3 अफराद को शहीद कर दिया। आवाम का एहतजाज, एहलकारों ने पैलेट गन चला दी, कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए। पंजाब में भीगा भीगा सा मौसम, सुरमई बादलों ने रक्स किया। लाहौर, गुजरावाला और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शहरी इक्तदार में बारिश से दर्जा हरारत मजीद बढ़ गया। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर सफेद गालों की बरसात, ठंड ही ठंड, रगों में खून जमाने वाली सर्दी, दांत बजने लगे। सवात से चतराल तक पहाड़ों ने सफेद पोशाक पहन ली। मलका कोहसार भी सफेद ताज पहनकर जौबन पर आ गई। सयाहों की मौज मस्तियां। नथिया गली के इलाके तोहीदाबाद में फंसे सयाहों के निकालने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन। बर्फ में फंसे तमाम सयाहों को निकालकर मरी और कालाबाग मुंतकिल कर दिया। ऑपरेशन में पाक फिजाइया और रेस्क्यू 1122 ने भी हिस्सा लिया है। कराइमा के करीब बहरिया सोत में हादसा, 2 टैंकर्स में आतिश जद की। हलाक अफराद की तादाद 14 हो गई। 5 लापता, मरने वालों में तुर्की और भारतीय शहरी शामिल। आईसीसी टेस्ट और वन डे टीम का ऐलान। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली दोनों फॉर्मेट्स के कप्तान होंगे। टेस्ट टीम में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास भी शामिल है। पेरिस फैशन वीक में रंगों की बहार। मौसम सरमा के मलबूसात में मॉडल्स के रैम पर जलवे, मुनफरद रैम पर मुनफरद मलबूसात की नुमाइश ने देखने वालों को मोह लिया। शायकीन की बदलते मौसम के पहनावों में खुसूसी दिलचस्पी। मज़ीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.sanjhnews.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।